एक मिनट रुको दिखाना। ये क्या है जी? हाथ फाड़ दिया भाई पूरा। हेलो एंड वेलकम गाइस टू न्यू वीडियो। आज के वीडियो हम जाने वाले हैं मोदी मंदिर। हम आ गए हैं मोदी नगर सिस्टर के घर पर। मेरी सिस्टर रहती है ना मोदी नगर, तो ये रहा उनका घर जो आपको पिछली वीडियो में दिखाया था। और चलते हैं मोदी मंदिर। ये आ गई है मेरी सिस्टर और हम जा रहे हैं गाड़ी में मोदी मंदिर दिखाते हैं आज आपको। और ये मेरा भांजा है, इससे आप मिल चुके हो। और ये मेरा दूसरा भांजा है, ये बड़ा है, ये छोटा है। और ये जी हेलो जी हेलो। तो चलते हैं ये मोदी मंदिर। चलो जी बैठो, इसे किस लिए? अच्छा हाँ, निकाल लो। इसमें को फुवारा निकलता बहुत बढ़िया और यहाँ सारे भर जाता पानी वहां से लेकर यहाँ तक। यहाँ पर ये बहुत ही बढ़िया पार्क भी बने हुए हैं। देखो कितने लोग खेल रहे हैं यहाँ पे। ये देखो कितने लोग खेल रहे हैं। एक पार्क इधर है और बिल्कुल सामने ब्यूटीफुली ये है मंदिर। बेहतरीन नज़ारा है। कभी मोदी नगर से निकलो तो होके ज़रूर जाना। इसकी टाइमिंग मैं बता रहा हूँ आपको, इसकी टाइमिंग है शाम को 5 बजे से रात को 8 बजे और सुबह 6 बजे से 8 बजे। उससे पहले या उससे बाद में नहीं खुलते हैं। तो लीजिए गाइज, आ गए हैं मोदी मंदिर में। यह है यहाँ मोदी नगर का मोदी मंदिर। आइए चलते हैं, दिखाते हैं आपको अंदर से इसका नज़ारा। मंदिर में जाने से पहले यहाँ उतारे जाते हैं जूते और चप्पल। जी हाँ, देखिए कितना सुंदर नजारा भाई। पास आके तो मंदिर और भी खूबसूरत लगता है, कितना बढ़िया लग रहा है देखने में। ये देखो जितने पास जाओ उतना खूबसूरत दिखाई देता है। चलिए चलते हैं अंदर। सबसे पहले किए हमने हनुमान जी के दर्शन। ये देखिए कितनी सुंदर मूर्ति है और पंडित जी ने दिया हमें आशीर्वाद। बोलो जय हनुमान। उसके बाद हमने किए दर्शन श्री राम, श्री लक्ष्मण जी और सीता जी के। बोलो जय श्री राम। सीता मैया की जय हो। यहाँ हमने लगाया टीका। ये देखो पूर्वी ने भी लगाया टीका, तुम्हें छोटे बेटे आर्यन ने भी लगाया टीका। ये मेरी सिस्टर हैं जो टीका लगा रही हैं। और उसके बाद चलते हैं अगले मंदिर में। बोलो श्री बालाजी महाराज की जय। ये है बालाजी महाराज का मंदिर। यहाँ आके तो अलग ही शांति मिलती है। यहाँ मैंने जो है माथा टेका और आशीर्वाद लिया और यहाँ से हम चल दिए अगले मंदिर की तरफ। उसके बाद दर्शन किए हमने वासुदेव जी के। ये वासुदेव जी का मंदिर है और यहाँ पर हम आए और हमने किए दर्शन। ये देखिए यहाँ से एंट्री है। घंटी इतनी ऊंची थी हम पे बजी नहीं, मैंने उछल के बजा दी। बहुत बढ़िया खूबसूरत। यहाँ पर काफी ज्यादा लोग थे, भक्त आ गए थे बहुत ज्यादा। और घंटी इतनी ऊंची है कोई लेडीज नहीं बजा पा रही थी, सिर्फ जेंट्स बजा पा रहे थे। उसके बाद हमने यहाँ पर माथा टेका और आगे बढ़ लिए क्योंकि भीड़ हो रही थी। पंडित जी कह रहे थे आगे जाओ। ये मंदिर के अंदर का नज़ारा है। यहाँ पर तस्वीरें दीवारों पर लगी हुई हैं। ये देखो महाभारत की, कृष्ण जी की।
फिर हम आ गए मंदिर के बाहर। यहाँ पर बैठकर हमने थोड़ा सा टाइम पास किया, मंदिर के दर्शन किए, घंटियों की आवाजें सुनी, मजा आ रहा था। रेगुलर घंटियां बजती थी। तो गाइस जो है हम जीजाजी को घर पर छोड़कर आए थे, लेकिन एक पोपट हो गया, जीजाजी के हाथ में डैनी ने काट लिया है, डैनी जो हमारा डोगी है, तो हमें जल्दी जल्दी में घर जाना पड़ा। तो गाइस हम आ चुके हैं मंदिर से, खाने का प्लान बना रहे थे, हमें पता चला कि डैनी ने जो है जीजाजी के हाथ में काट लिया है, तो हमें एकदम से भाग के आना पड़ा। तो देखते हैं क्या सिचुएशन। आराम से आराम से आराम से आराम से। अरे क्यों काट लिया है? एक मिनट रुको, दिखाना। ये क्या दिया जी? हाथ फाड़ दिया भाई, ये तो हाथ फाड़ दिया भैया पूरा। ये कहाँ है दांत कहाँ लगे हैं? भगवान। चलो 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 डॉक्टर के पास चलते हैं, चलो चलो। तो गाइज जैसा कि अभी आपने देखा कि पोपट हो गया है, डैनी ने जो है जीजाजी के हाथ में काट लिया है, तो इसलिए जो है एंड करते हैं इस वीडियो का यहीं। वीडियो आपको सही लगे, अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बने रहना हमारे साथ, हमारे परिवार का हिस्सा बनने के लिए धन्यवाद। ठीक है, बाय बाय।